FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में बना था। इसको बनाया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। G7 कंट्रीज 7 देशों का एक ग्रुप है, इसलिए इसे G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA, ये 7 कंट्रीज आती हैं। FATF को बनाने का पर्पस था मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना। बट जब FATF स्टार्टिंग में बना था, इसका मेन एम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। 2001 में FATF को एक्सपेंड किया गया और इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड किया गया। टेररिज्म फाइनेंसिंग से आपके माइंड में आ ही रहा होगा अपना पड़ोसी। FATF का हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, और इस टाइम FATF में टोटल 39 मेंबर्स हैं, और इन 39 मेंबर्स में से 37 कंट्रीज हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बेसिकली FATF करता क्या है कि ये उन कंट्रीज में जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग ज्यादा हो रही होती है, उन कंट्रीज में ये सैंक्शन लगा देता है, और उस सैंक्शन की वजह से बाहर की कंट्रीज उस कंट्री में या बाहर के लोग उस कंट्री में निवेश नहीं करते हैं। कोई भी बड़ी MNC, कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनी उस कंट्री में निवेश नहीं करती है, कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। FATF की 3 लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट, एक व्हाइट या ग्रीन लिस्ट। व्हाइट या ग्रीन लिस्ट इसलिए, कुछ लोग उसे व्हाइट लिस्ट कहते हैं, कुछ लोग उसे ग्रीन लिस्ट कहते हैं। तो व्हाइट और ग्रीन लिस्ट में जो कंट्रीज आती हैं वो सेफ होती है, उनके ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगता है। ब्लैक और ग्रे लिस्ट एक तरह की ग्रुपिंग है कंट्रीज की, जिन कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग पीक पे हो रहा होता है, बहुत ज्यादा हो रहा होता है, उसको FATF ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, और जिन कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग मॉडरेट लेवल पे हो रहा होता है, उसको FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता है। FATF का जो ब्लैक लिस्ट है उसे कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। देखो, एक्चुअल में ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जर्नलिस्ट के द्वारा दिए गए नाम है। ऑफिशियल नेम जो इन सब सैंक्शन के हैं वो है कॉल फॉर एक्शन, और ग्रे लिस्ट का मैं अभी बताऊंगा। इस समय FATF के ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्रीज हैं, एक ईरान और दूसरा नॉर्थ कोरिया। इसी वजह से ईरान और नॉर्थ कोरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वहां पे भुखमरी भी बहुत हो रही है। आप न्यूज में सुनते हो गए लगातार कि ईरान में और नॉर्थ कोरिया में खाने की खपत हो रही है, खाना बहुत कम हो रहा है। तो FATF के ब्लैक लिस्ट की वजह से वहां कोई भी बाहर की कंट्री निवेश नहीं करती है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली डाउन होते जा रहे हैं। अब आते हैं FATF की ग्रे लिस्ट पर। FATF की ग्रे लिस्ट को ऑफिशियली ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग कहते हैं। मतलब इसका जो ऑफिशियल नेम है, जो FATF की वेबसाइट पे है, वो है ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। इस समय 23 कंट्रीज FATF की ग्रे लिस्ट में है। मैं सारे कंट्रीज की तो बात करूंगा नहीं, हम यहां बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तो पहले आप हिस्ट्री देखिए कि कितनी बार FATF की ग्रे लिस्ट में एंटर हुआ और कितनी बार FATF की ग्रे लिस्ट से ये बाहर निकला। 2008 में FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पहली बार एंटर हुआ, और एक साल बाद 2009 में ये FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला। फिर दोबारा 2012 में FATF की ग्रे लिस्ट में एंटर हुआ, और 4 साल बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला। फिर 2018 में दोबारा ये FATF की ग्रे लिस्ट में एंटर हुआ, और अभी तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही है। मतलब कोई भी देश सुधर जाए पर पाकिस्तान वैसा का वैसा ही रहेगा। वो सुना है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम नहीं है, ये पूरा का पूरा ही कुत्ता है। बिलीव नहीं हो रहा, इसका मैप देख लीजिए। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट में होने से कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को जल्दी लोन नहीं प्रोवाइड करता। हाँ, पाकिस्तान को हमेशा लोन मिल जाता है चाइना से, विद अ हाई इंटरेस्ट, समटाइम विद अ लो इंटरेस्ट, और कभी कभी सऊदी अरेबिया से भी मिल जाता है उसको लोन। ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान OIC कंट्री का मेंबर है। अब OIC कंट्रीज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या कभी और किसी और वीडियो में। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को सिर्फ ग्रे लिस्ट में होना चाहिए या FATF की ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए? पाकिस्तान को अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो उसे अपनी टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना ही पड़ेगा। सबको पता है पाकिस्तान में कितनी टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।